रखिए मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, आपके लिए अमल करें, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अगर आपके साथ कोई भी मसला है, कोई बंदिश का मसला है, रिश्तों की पाबंदी का मसला है, या रिश्तों को किसी ने लॉक कर दिया है, रिश्ता आ नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी का मसला है, तलाक तोबा उस तक तलाक तक का मसला आ चुका है, तो फिर भी हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब है, मियाँ बीवी की प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, अपने प्यारे जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने जिसको आप हाजिर करना चाहते हैं मतलू, उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अपने किसी प्यारे के लिए जो आपसे रूठ गया, नाराज़ है, या रिश्तों की बंदिश को तोड़ने के लिए भी ये अमल किया जा सकता है, ठीक है ना। आपने ये जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, बहुत लाजवाब, बहुत नायाब है, आपने ये अमल करना है और इंशाल्लाह आपका मतलूब जिसको आप तलब कर रहे हो इंशाल्लाह आपके पास हाजिर हो जाएगा। अब तरीका इसका गौर से सुन लें। अरूजे माह में बाद नमाज इशा, अरूजे माह बाद नमाज इशा आपने एक गिलास पानी लेना है। अब एक गिलास पानी लेकर आपने अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, तीन दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, और उसके बाद जो मैं आपको जो है अब मतलब कि तरीका बताने लगी हूँ अल्लाह के जिक्र का, वो गौर से सुन लें ताकि गलती की किसी किस्म की गुंजाइश ना हो। दुरूद शरीफ पढ़ के आपने, देखिए दुरूद शरीफ तो आप अव्वल आखिर पढ़ेंगे ना, तो अब जो मैं आपको जो है वो बताने लगी हूँ अल्लाह का नाम का जिक्र, वो आपने लाजमन जो है इसके दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। लफ्ज है या वदूदू, या वहाबू, या रज़ाकू, या रहीमू, या अल्लाह, ठीक है, ये नाम है अल्लाह के। ये पढ़ के आपने कम से कम 333 मरतबा आपने ये पढ़ना है नाम। नाम पढ़ने के बाद तीन मरतबा दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप अपने सीने पे दम करें, अपने जो जो आपने पानी रखा था उस पर भी आप दम करें। दम करने के बाद आपने जब ये आप दम कर लेंगे और आप वो पानी, उसके बाद आपने क्या करना है, वो पानी आपने 5 मिनट बैठ के दुआ करके इंतजार करके तो वो पानी आपने पी लेना है, वो पानी आपने पी लेना है। यकीन माने जिसको आप तलब कर रहे हैं ना, इसके अंदर मोहब्बत आपकी जाग उठेगी और इंशाल्लाह इतना बेचैन हो जाएगा कि जब तक आपसे मिल नहीं लेगा, आप तक पहुंच नहीं जाएगा, उसको सुकून नहीं आएगा। ये अमल लाजमन कीजिएगा और फिर इसका असर देखिएगा। जिस तरह बताया गया उस तरह करें, कोशिश करें जो अमल है वो पीर वाले दिन या जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन, बुध वाले दिन, इन दिनों में करें और किसी दिन में ना करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता लग गया होगा कि वक्त मुकर्रर, जगह का और खुशबू लगाकर और कपड़े एक ही पहनकर अगर ये अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होता है। आप एक दफ़ा ये अमल कीजिएगा और फिर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, आपकी रहनुमाई करें, आपके लिए नक्श तैयार करें। मोहब्बत का जलाली नक्श भी आप हम दे रहे हैं आजकल सब लोगों को, आप भी आकर ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस्तखारा करें, आपके प्यारों को मिलाने के लिए जो अमल आपके लिए बेस्ट है वो आपको बताएं, तो जरूर रब्ता करें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।